तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज उसी योजना के आपके लिए लेकर आए हैं। योजना को बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, 11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का 2123 करोड़ का कर्जा माफ होगा। मध्य प्रदेश में टोटल 11 लाख से अधिक किसान डिफॉल्टर है जिन्होंने ब्याज या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में 11 लाख से अधिक किसान डिफॉल्टर है, मतलब उन्होंने ऋण लिया और उसे भरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि 11 लाख से अधिक किसानों का डिफॉल्टर किसानों का कर्जा माफ होगा। टोटल 11 लाख किसानों का कर्जा है 2123 करोड़। प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, केवल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ही जिसका खाता है और वहां पर वो डिफॉल्टर है तो उसका ही कर्जा माफ होगा, बाकी दूसरी बैंकों में कर्जा माफी नहीं होगी। प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंध प्राथमिक कृषि शाख के सहकारी समितियों के 2 लाख तक जिनका लोन है उन्हें 11,19,000 डिफॉल्टर किसान है, 11,19,000 डिफॉल्टर किसान है। बकाया ब्याज की राशि है 2123 करोड़। माफ के लिए माफी की मंजूरी कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है, तो दोस्तों इसकी लिस्ट जल्दी जारी कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के लिए, धन्यवाद।